तो ये है मेरी प्यारी छोटी भाभी की ईद। दिस इज सो एलिगेंट, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइफ दामना में। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसका सबको इंतजार होता था कि आमना की ईद आई, आमना की ईद आई। अब मैं जा रही हूँ किसी की ईद लेके, मतलब अपनी छोटी भाभी की ईद लेके जा रही हूँ। तो आज बहुत स्पेशल दिन है और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आपको सबको, और बिलाल जो है, बिलाल ऊपर रेडी हो रहा है, पता नहीं आयत को भी रेडी करना है मैंने। मैं तो रेडी होके ही आई हूँ घर से, तो मैं ऊपर जाती हूँ, बिलाल को उठाती हूँ और साथ में आयत को भी रेडी करना है। आयत को अच्छा ऊपर ले गई है, तो चले चलते हैं ऊपर। मिला बेबी, मिला छोना, मिला काका, आप कपड़े चेंज कर लेंगे। मम्मा ने आपके लिए कपड़े ऑर्डर किए हुए थे, वो आगे हुए हैं, लेकिन वो कुहाला के पास है, तो कुहाला को बुलाते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। आयशा, आयशा, तो आयशा मेरा ऑर्डर आया कि नहीं आया? मैंने बेबी प्लैनेट से ऑर्डर किया था। आ गया, आ गया, देखो कितनी जल्दी आया। जल्दी से लेके आओ, जल्दी से, जल्दी से। वाओ, ये तुमने खोल लिया? मैंने सब कुछ खोल लिया था, रहा नहीं गया, इतनी एक्साइटेड थी मैं, क्या करती। थैंक यू। अनमोल के भी इसमें मैंने ऑर्डर किए हुए थे, अनमोल के भी हैं इसमें, और ये सारे आयत हैं। और ये बैग देखो, और देखो इनकी पैकिंग कितनी प्यारी है और कितनी जबरदस्त है, इसको ऐसे हम कैरी कर सकते हैं। इसका फैब्रिक कितना कमाल का है, ये समर के लिए बेस्ट है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कपड़ों में ना गर्मी बड़ी लगती है, तो ये बेस्ट है। मम्मी भाभी ये देखें, क्या हुआ, अचानक से मॉल को बुला लिया। ये देखें जो मैंने मॉल के लिए मंगवाया, तो मॉल आज के पहन के जाएगी मेरे साथ। तो चलो अब रेडी हो जाते हैं। ओए तो बड़ा माशाल्लाह, कितना बड़ा लग रहा है मेरा बेबी, बहुत बड़ा लग रहा है, और स्माइल भी कर रहा है। चलिए अनमोल, अब आपका ड्रेस चेंज करते हैं। वाओ, इतनी प्यारी अनमोल। मेरा तो एक्सपीरियंस बेबी प्लैनेट के साथ बहुत अच्छा रहा है। उनका जो ऑर्डर है ना, वो जल्दी रिसीव हो गया मुझे, और साथ में जो उनका वो फैब्रिक है ना, वो बहुत अच्छा है, और साथ में उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अगर आपने गिफ्ट देना है ना किसी को, तो बच्चे को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, इतना कमाल की उनकी पैकेजिंग है। तो ऐसा है कि बेबी प्लैनेट पे ईद सेल लगी हुई है अप टू 75%। और ठहरिए, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे ना, आमना 5, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट। तो ये है मेरी प्यारी छोटी भाभी की ईद, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब किसी के ससुराल वाले से ईद आती है तो इंसान बहुत खुश होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होंगी, इंतजार कर रही होंगी कि कब आएगी, कब आए, कब मेरी ईदी आएगी। तो मैं, मतलब लड़कियों को होता है शौक ना, ईदी में क्या होगा, चूड़ियां होंगी, मेहंदी होगी, बैग होगा, कपड़े होंगे, उनको शौक होता है ना कि ससुराल से ईद आ रही है, और ये सारी चीजें उनके लिए हैं। और मैं अकेले नहीं जा रही, मेरे साथ मोमिना भाभी है, आयशा है, अम्मी है, अनमोल है, और आयत है हमेशा की तरह। तो आयशा, मोमिना भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाल, गाड़ी में ये सामान रखो और चलो, और लड़का चला अपने ससुराल। चल, लड़के वाले ने खुद ही शॉपिंग की, लड़के ने खुद शॉपिंग की है। लड़की की साड़ी अगर आपने देखनी है ना, तो लाइव बिलाल में जाके लाजमी देखना, तो लड़के ने कैसे शॉपिंग की, लड़की की, वाहिद लड़का है जो लड़की की शॉपिंग कर रहा है। मैं कपड़े दिखा दूं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे, ये 3 साल पुराना सूट मैंने पहना हुआ है, आज ये गराड़ा, क्योंकि गराड़े का ना बहुत फैशन आया हुआ है, तो मैंने सोचा चल निकाल अपना गराड़ा और पहन ले पुराने वाला, तो मैंने पहन लिया आज। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं, मुझे फिट आया है। मैं बहुत डरती थी, पता नहीं मुझे आया कि नहीं आएगा, मुझे फिट आया। हेलो, तो वो पीछे अम्मी है। हाय अम्मी, आप लोग सोचते होंगे ये क्या है, ये मेरी दीदी आई हुई है, वो आपको मोमना ली चैनल में मिल गई होगी या मिलेगी बहुत जल्द। सबकी ईदियाँ आ रही है, सबकी ईदें आई, मेरी ईद नहीं आई, मोमना की भी आएगी। तो यहाँ पे सारे गाड़ी में बैठने लगे हैं, सबसे पहले आयशा बैठेगी और मोमना भाभी, मैं बाहर निकल के, मोमना बाहर निकल के बैठेगी। अनमोल बैठ चुकी है, अनमोल बैठ चुकी है, अनमोल बैठो, बैठो, बैठो। और हम बस पहुंचने वाले हैं ईदी लेके, मस्ती आ रही है, भाभी है, और वो क्या कहते थे, जुठानी, जुठानी है, नंद है। और आप लोग कह रहे थे कि मोमना भाभी नहीं आई उस टाइम, अनमोल आपको नजर आ गई थी, वो एक बात ये थी कि भाभी आई नहीं थी, लेकिन वो सुबह सुबह आई थी, वो बहुत थकी थी, अनमोल उठ गई थी, अनमोल को हम कैसे लेके आते, ऐसा ही है। तो बस अब और आज मोमना भाभी फ्री है, आज तो उन्होंने कहा था मैं जरूर जाऊंगी, जितनी मर्जी बिजी हो, बिजी थी, बड़ी मुश्किल से आएंगे, फिर भी
तो आगे आप लोगों को बहुत शिकायत थी कि भाभी को नहीं लेके जाते, तो मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम मैं ही जाऊंगी। चले अब आगे का माहौल दिखाती हूँ, बिलाल को दिखाती हूँ, अम्मी को दिखाती हूँ। हेलो बिलाल, गुस्से में है, थक गई है? नहीं तो बस ये थोड़ा जल्दी आ गए, आज जल्दी। मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी आपकी ईदी आई थी कि शादी हो गई थी? डायरेक्ट मुझे याद नहीं है। बकरा ईद आई थी, हाँ इनके बकरा ईद तो गोश्त आया था और साथ में चूड़ियां मेहंदी और कपड़े भी आए थे, सूट भी आया था। लेकिन उस टाइम ये था कि उस टाइम अम्मी खुद ही गई थी देने, हम नहीं गए थे, अली अली भाई खुद ही गए थे, अली सब कुछ था, अली सब कुछ थे, सास थी, नंद भी थी और सब कुछ थे। उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद 7 दिन की शादी हो गई। तो अब ऐसा है कि हम निकालने लगे हैं गाड़ी से सारा सामान, तो ये निकल रहा है, सब एक एक पकड़ेंगे और अंदर से चलाएंगे। आयशा पकड़ेगी और जो बड़ी वाली टोकरी है वो बड़ा जवान पहलवान पकड़ेगा। आमना पहलवान है। चले तो यहाँ पे टेबल सज रही है, इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। तारी का टाइम हो चुका है और अब मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, टेबल पे चीजें रखी गई हैं और वो क्या क्या है। सैम भाभी बताएं आज इफ्तारी में क्या क्या है। लग रहा है ये ड्रमस्टिक्स है, ये तो फ्रूट चाट तो मस्ट है, दही भल्ले लास्ट टाइम आंटी को बहुत अच्छे लगे थे तो ये दोबारा से मंगवाए हैं, ये मिनी बर्गर्स हैं और ये मैक्रोनी है और वो समोसे और वो ड्रिंक्स में ड्रिंक बार। मुझे ये मुझे ये अच्छे लगेंगे फ्रूट्स हैं ये, और ये मलाई वाली खजूर। इफ्तारी हो चुकी है, खाना पीना हमने पेट भर के खा लिया है। जो मेन मकसद के लिए हम आए थे वो थी ईद देना, तो आज हम लाए हैं सैम भाभी के लिए ईदी। तो ये सैम भाभी आपकी ईदी, इतना वजन है इसको मैं टेबल पे रखती हूँ आपको नहीं पता जी। ये आपकी ईदी है, एक बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। थैंक यू सो मच, क्योंकि फर्स्ट ईद आना बहुत अच्छी बात होती है, मतलब इंसान की फीलिंग्स होती है लड़कियों की बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मतलब होता है ना कि क्या खुशी होती है कि हाँ ये किसी ने मेरे लिए इतना प्यार से लिया है चीजें, तो ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। और ये है, और साथ में आपके लिए ये चिप्स खाएं, ड्रिंक पिए और एंजॉय करें लाइफ को, ये बहुत अच्छी है, क्यूट है। और साथ में चिली मिली खाएं, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए। और एक बात और, ये बिस्किट का जो ट्रे है ना, चाय पिए बिस्किट खाएं पता नहीं आप खाती है कि नहीं खाती, मैंने जानती हूँ लेकिन पसंद है। अच्छा ठीक है, तो चलिए। और ऐसा है कि आजकल ना सैम भाभी आप बहुत ज्यादा इन है, लोग क्रेजी हुए हुए हैं, प्लीज 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 फेस रिवील कर दो कर दो कर दो, तो होगा होगा सब कुछ होगा, आप एक एक चीज देखेंगी कि वो मतलब फेस रिवील भी होगा और आगे शादी जो भी होगा ना वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ईदी तो शेयर करते हैं कि इनको ईद में क्या क्या मिला है, तो दिखाएंगी जी अकेले में नहीं आप सबके साथ। ठीक है चले, ये बिस्किट वाला आइडिया और ट्रे वाला आइडिया ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक है, तो अब मुझे नहीं पता ये किसका आइडिया था, बिलाल का ही होगा जाहिर, बहुत जबरदस्त सब आइडियाज बिलाल के हैं। तो चलिए अब सारी बातें छोड़ते हैं, लड़कियों की नजर होगी इस चीज पे, तो चलिए इसको ओपन करें अपने प्यारे प्यारे हाथों से सैम भाभी। हाँ जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये सबसे पहले बैंगल्स है, तो बैंगल्स बहुत क्योंकि मुझे सिंपल पसंद है तो आपने सिंपल ही जो है ये मैं गई थी साथ, बहुत अच्छी लगी सिंपल, बहुत अच्छी लगी है, सो डिसेंट। उसके बाद मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी अच्छी लगती है? हाँ जी बहुत ज्यादा, और मुझे लगानी भी आती है तो मैं अच्छा। हाँ। 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 आप मुझे तो लगा दिया करना, बहुत अच्छा बहुत पसंद है, पर मुझे बचपन में बहुत पसंद थी, पर आपने अच्छी लगी। इसमें क्या? तो ये है बहुत क्यूट सा बॉक्स और इसके अंदर है
दिस इज सो एलिगेंट माशाल्लाह, बहुत प्यारा है बहुत ज्यादा है। आप जो है ना, मोमना भाभी और आयशा भाभी को तो पता है, इन्होंने तो साथ लिए लेकिन ऐसा है कि सैम भाभी जो है ना, वो ना ज्यादा हैवी ज्वेलरी वगैरह पहनना पसंद नहीं करती, छोटे छोटे से हों उनको अच्छे लगते। पर मैं चाहती हूँ वो हर तरह की ज्वेलरी पहने, अच्छे सूट करें, कभी पहनूंगी कभी। तो उसके बाद है ये प्यारा सा कड़ा, काइंड ऑफ जैसे बहुत अच्छा है, मुझे पूरा भी है। उसके बाद ये सैंडल्स है वाइट कलर की, मैंने कभी नहीं ऐसे फ्लैट्स में ली वाइट, लेकिन ये बहुत प्यारी है। तो ये झुमका झुमके से है, हाँ जी, मैंने कभी पहने नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े आए हैं आजकल। ये देखिए कैसे हैं। उसके बाद ये सूट है, और सूट ही है, हाँ ये सूट आपने तो देखा नहीं, आप देखें ऐसे ऐसे बहुत ही प्यारा है, कलर मेरा फेवरेट है वैसे। अच्छा, बहुत प्यारा है ये, तो ये कलर आपके सूट भी बहुत करता है। अच्छा, और मैं बताऊंगी कि ये किसके साथ मैच किया हमने, मैं साइज ज्वेलरी में चाहती हूँ ये खराब ना हो, ये आराम से निकले। चलो तो ये आपका एक फर्स्ट डे सूट है, फर्स्ट डे पे पहने जब मर्जी पहने, जब आपकी मर्जी, फर्स्ट डे पे जबरदस्ती नहीं है। ये देखिए ये फ्रॉक है, ये इसकी बाजू, हाँ जी बहुत प्यारा है। और पीछे से भी दिखा देती हूँ आपको बैक से, जी ये बैक से, इसके नीचे है गरारा, जी साफ आजकल गरारा ही गरारा सब पहन रहे हैं, और आमना ने भी आज गरारा पहन लिया। इस तरह से बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, ये गरारा ये देख सकते हैं, और मुझे देख लिया, और इसके साथ ये दुपट्टा ऑर्गेंजा का दुपट्टा, ये अच्छा लगता है, ज़्यादातर अमूमन यही लिया जाता है। तो ये एक सूट हो गया, ज़्यादा से छोटा सा बैग, ये बिलाल की पसंद है, बहुत लड़ाई की थी उसने, ये मैंने नहीं लेना है। बहुत क्यूट है ना, बहुत प्यारे, बिलाल को ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर भी ग्रे ही बनता है हमेशा, ग्रे बहुत पसंद है, इसलिए हर चीज़ ग्रे, गाड़ी भी ग्रे है। ग्रे कलर कैसा लगा? बहुत प्यारे माशाल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो और भी है, और भी देखे हैं इसके बारे में, मैंने सुना था कि बिलाल को बहुत पसंद है। शॉर्ट फ्रॉक है, शर्ट समझ लें, हाँ जी बहुत अच्छा टॉप है ये, टॉप है, और इसके नीचे है जीन्स बूट कट में चप्पल, ये चप्पल है बिलाल को शादी के बाद मारने के लिए। नहीं नहीं तो मजाक कर रही हूं, नहीं नहीं दिल कर रहा है इसको पहनने का। वाओ बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, नेल पेंट लगाएंगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी साथ, बहुत ज्यादा है ना, रेड में लगाएं जी, ये वाइट वाले भी चेक कर लो, वाला चेक कर लें, साइज आपके ब्रांड साइज डिफरेंट होते हैं। तो आप आयशा आपको बताएंगी कि आपने जो जो सूट के साथ चीजें ली है ना, वो कौन कौन सी है, ऐसे और साथ में इसके झुमका और साथ में चूड़ी, आप मैचिंग भी कर सकती हैं, ये फर्स्ट डे के लिए बेस्ट है। सेकंड डे मैं चाह रही हूँ ये, सेकंड डे ये आप पहन सकती हैं, आइडिया दे रही हूँ। इसके साथ ये है और साथ में ये कड़ा, ब्रेसलेट क्या दो, करा कर ले जो मर्जी क्या दो, ये बहुत प्यारा, हाँ, ये और साथ में था। और इसके साथ जो चप्पल है ना, मतलब जो सैंडल्स है ना, बेस्ट है, ये पहन सकते हैं इसके साथ, पैसे जैसे वो पहन सकते हैं, बहुत प्यारे हैं, शूज भी पहन सकते हैं। तो ये आपका सेकंड डे आयशा ने सेलेक्ट कर लिया, अब थर्ड डे की बारी है, सेकंड डे में बंदा आउटिंग करने जाता है, आउटिंग करने आउटिंग, हां जी बिल्कुल, चलो ये हो गया, हम सबको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा लगेगा, जबरदस्त बहुत प्यारा है। तो इसके साथ ये वाइट, क्योंकि एक तीर से दो शिकार, वाइट इसके साथ भी पहना जाएगा, वाइट इसके साथ भी पर्पल, ये पर्पल जो ज्यादा बहुत ढूंढी थी, मिल नहीं रही थी, पर्पल ही मिलती है बहुत ज्यादा ढूंढी, तो मैंने वाइट इसके साथ किया था, सिंपल है ना, सिंपल, इसलिए वाइट अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें
फैंसी फैंसी नहीं है, कॉम्बिनेशन प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने अपनी बहू को इजी देने जाना है या अपनी बहन को इजी देने जाना है तो पैसे तो ऐसे कर सकते हैं, एक दिन जरा जरा फैंसी किस्म का, सेकंड डे कुछ और, थर्ड डे कुछ और मैचिंग करनी। अब एक और चीज आएगी पता, बैग का तो पूछा नहीं किसके साथ लेना है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी बता दें। चलिए आप ऐसा करें, आप बैग को खोल के देखिए कैसा है, कैसा है अंदर से देखिए। हाँ जी ये बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक एडवांस में, मेरी तरफ से भी बहुत ज्यादा। आंटी ये ना मेरे भाई लेके आया था तो मैंने सोचा मैं आपके लिए, थोड़ी थोड़ी बहुत प्यारी लग रही, मैचिंग हो गई है। आंटी मेरे लिए इतनी प्यारी चूड़ियाँ लेके आई है, मैंने सोचा नामी भी हमारे साथ थे रात को चूड़ियों के टाइम। हाँ जी कॉल आई थी ना, उन्होंने मेरी बहू ने पहनाई चूड़ियाँ। आज ईद हो गई हमारी, बहुत अच्छी लग रही है कि हम अब चलते हैं और सब भाभी वगैरह को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, टाइम बहुत हो गया वैसे भी। नहीं नहीं अभी खाना खाना है अभी, गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, बहुत बड़ा पड़ेगी, गुंजाइश बनानी पड़ेगी, अभी नहीं जाना। अच्छा नहीं ना जाना, अभी यही रहना ना। चलो गुड, वो गिर गई इसकी, वो गिर गई उसको देख के। ये चची क्या है, ये चची क्या आपके घर में है ना, ये चची क्या है, नहीं चची क्या, नो किसी भी चीज को ऐसे नहीं कहते। ये चची आप कितना प्यारे है, ये चची क्या है, गार्ड में जगह नहीं है आपका, व्हाइट वाला टैडी इतना प्यारा, उसको चाहो प्रॉफिट, आपका टैडी व्हाइट सबसे प्यारा, भूल गए आप। थैंक यू, अनमोल ने मुझे गिफ्ट दे दिया, थैंक यू। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पता नहीं कैसे बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट है यहाँ, कोई बारबेक्यू है वहाँ। ऐसा है कि हम अब जा रहे हैं, आयशा है, मोमिना भाभी है और अनमोल है, भाभी की जिद नहीं, खाना खाना है खाना है, आप दिल तो नहीं तोड़ सकते ना, हम तो वो स्पेशल लेके इतने दिल से खुशी से हमने सोचा आ जाते हैं। बस बस खाना खाते हैं उसके बाद बस नहीं मैं खाना खाते हैं उसके बाद फिर एंड करते हैं। तो मीठे में यहाँ पे आए हैं गुलाब जामुन गर्मा गर्म, तो मैंने तो थोड़ा सा टेस्ट पहले से कर लिया था, मैं आयशा को टेस्ट करवाती हूँ, सब खा रहे हैं वहाँ पे, बहुत गर्म है, बहुत मज़ेदार सॉफ्ट। तो ये थी आज की वीडियो, और भाभी को देने गई ईद, और भाभी से भी पूछते भाभी आपको ईद कैसी लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने डिनर हमारे साथ रेस्टोरेंट में किया, ये भी बहुत गुलाब जामुन बहुत मज़ेदार था। तो बस ये थी वीडियो, तो इससे पहले वीडियो को एंड करने से पहले मेरे इंस्टा को फॉलो कर लो प्लीज़, जाके ऊपर जाके नज़र आ रहा होगा आपको, आईडी इंस्टा को फॉलो करें, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।